आगरा में आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, कल सुबह मतदान रहेगा सार्वजनिक अवकाश। आगरा में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, बुधवार को पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे से नगर निगम सहित 11 निकायों में मतदान शुरू हो जाएगा। पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूर्ण हो गई है। मतदान दिवस के लिए जिले को 41 जोन और 128 सेक्टर में बांटा गया है। जिले में कुल 383 मतदान केंद्र है, 1515 पोलिंग बूथ, 16,49,000 मतदाता है। सादरा स्थित मंडी समिति से सभी निकायों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। मतदान के बाद यही ईवीएम व मत पेटियां जमा होंगी। मंडी समिति में स्ट्रांग रूम बने हैं। 13 मई को मतगणना होगी। ईवीएम मशीनों के रेंडमाइजेशन से लेकर सीलिंग तक कार्य पूर्ण है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। बृहस्पतिवार को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिले में शराब की सभी थोक व फुटकर दुकानें मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। प्रेक्षक की मौजूदगी में रेंडमाइजेशन। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में प्रेक्षक की मौजूदगी में मतदान कर्मियों का तृतीय रेंडमाइजेशन हुआ। इस दौरान प्रेक्षक राजेंद्र सिंह, डीएम नवनीत चहल, प्रेक्षक राजेश कुमार, एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम आदि लोग मौजूद रहे।